बहुत डरावना, बिल्कुल भी अकेले मत आना, दो चार लोगों के साथ ही आना, अदरवाइज आओगे तो सही, जाने की गारंटी नहीं। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं, देखो यहाँ पे भी अभी इस टाइम कोई नहीं है। ये सिक्योरिटी वाला बंदा नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है। चुड़ैल पापड़ी कंजू, ये देख के तो डर ही जाएगा आदमी। देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है चुड़ैल पापड़ी कंजू। तो ये सारी प्लांटेशन है जो भी है यहाँ पे, कौन कौन से आपको पेड़ मिलेंगे जंगली करो, वो सारी प्लांटेशन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं, आ जाओ इधर, हमें इधर जाना ना। हाँ हाँ इधर ही जाना, इधर ही जाना। मतलब ये वाला रास्ता तो बहुत ही अजीब है, आप देख सकते हो। देखो ये मतलब जो पीछे रास्ता था वो थोड़ा चौड़ा दिखा है, ये तो मतलब देख ही सकते हो आप, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद हम उस वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ से ऊपर से पूरा जंगल दिखता है। यहाँ पे आके अब थोड़ा डर लग रहा है। तो ये सीधा ऊपर रास्ता जा रहा है टॉप की तरफ, यहाँ से पूरा जंगल दिखता है ऊपर चढ़ के, और बहुत ही मतलब आप देख सकते हो रास्ता किस तरीके का रास्ता है, अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे। लाइट दिखाई वो देख सकते हो आप, जंगल के बीचों बीच है हम बिल्कुल। हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर एडवेंचरस व्लॉग, और मेरा नाम है रोहित। आज हम आए हैं संजय वन, जिसको मतलब सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। हम उस जगह पे बैठे हैं जहाँ से आप पूरा जंगल देख सकते हो। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जंगल भी दिल्ली में हो सकता है, इतना डीप, इतना घना, और सिर्फ यहाँ पे जो जंगल में आवाज़ें आती हैं सिर्फ वही आवाज़ें आ रही हैं। अभी तक फ़िलहाल हमने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जिससे लगे कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा होता है। लोग बोलते हैं यहाँ पे रोने की आवाज़ आती है, हंसने की, गाने की आवाज़ आती है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। बट हाँ, डरावनी जगह है, आप अकेले नहीं आइएगा यहाँ पे, अकेले आना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भूत प्रेतों से भी ज़्यादा खतरनाक आजकल इंसान होते हैं, तो उनसे बचना जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, भूतों से फिर भी एक बार बच जाओगे। तो गाइज़ अब हम उसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो दो कब्रें हैं जो बहुत फेमस कब्रें हैं यहाँ पे, तो वो नीचे की तरफ हैं, तो हम वही जा रहे हैं अभी। अच्छा इधर से लाइट मारना, इधर से तो गाइज ये वो कब्रें हैं आप देख सकते हो। तो इसको हम उस तरफ से सामने की तरफ से चलते हैं और हम पूरा जो है रिस्पेक्ट करते हैं, तो जूते पहन के हम अंदर नहीं जाएंगे।
तो गाइस ये वो कब्रें हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ते भी हैं। तो गाइस इन कब्रों की जो कहानी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जो ये दो मेरे पीछे कब्रें हैं, ये दो प्यार करने वालों की कब्रें हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मैंने ऐसा सुना है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनका प्यार सफल नहीं हो पाया। जो लड़का था उसको मार दिया गया, तो उसी चक्कर में जो लड़की थी उन्होंने भी अपनी जान दे दी और फिर इन दोनों को यहीं दफना दिया गया। तो यही स्टोरी है जो मैंने सुनी है, जितना मुझे पता है। तो गाइस काफ़ी देर से घूम रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कोई आवाज़ हमने नहीं सुनी। जो भी आवाज़ें सुनी हमने, जानवरों की आवाज़ सुनी है या मोर की आवाज़ सुनी है, पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। जो यहाँ पे आके यूट्यूबर सुनाते हैं ना हमें, वैसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। यूट्यूबर्स से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं हमने ये सुना, वो देखा, ये देख लिया। द्वारका सेक्टर 9 से लेके यहाँ तक अभी तक तो हमें कुछ दिखा नहीं। पर ये डरावना है जंगल, मतलब आप अकेले नहीं आ सकते हो यहाँ पे। अकेले आ भी सकते हो, पर फिर वही है कि इंसानों से ज़्यादा खतरा है। ये सही बात बोली आपने रमेश भैया, इंसानों से ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो भैया आपको कैसा लगा ये जंगल? बहुत डरावना है, बहुत डरावना। बिल्कुल भी अकेले मत आना, दो चार लोगों के साथ ही आना, अदरवाइज आओगे तो सही, जाने की गारंटी नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही बोला आपने भैया। इधर से आना है, इधर से आना ना। हाँ नहीं इधर है ना, देखो रहा। नहीं नहीं इधर है। श्योर नहीं नहीं ये रहा, हाँ वो यहाँ से सीधा जाना है। एक बार देखते हैं यहाँ पे वो आए हैं क्या, जो यहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं अंकल हैं क्या अभी भी, कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम दूसरा चक्कर मार रहे हैं यहाँ पे, अभी भी नहीं है कोई यहाँ पे, सब खाली पड़ा हुआ है। ओए एक सेकंड वहाँ पे देख, कोई 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 बैठा है, कोई हिल रहा है, देख 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 देख, कोई तो है यार वहाँ पे। अरे वही हैं, गार्ड भी हैं गाइस, देखो गार्ड बैठे हैं यहाँ पे, कोई डर नहीं है उनको। नहीं कभी उसकी यादों में हो आप, इसलिए नींद ना आ रही हो। चलिए ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे जैसा लोग बोलते हैं कि भाई कि रोने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा। हम बहुत देर से यहाँ पे घूम रहे हैं और घूमे ही जा रहे हैं। हम वहाँ भी गए जहाँ पे वो कब्र है, वहाँ भी गए, फिर जहाँ पे इसका टॉप है जहाँ से पूरा पूरी जगह दिखती है वो भी गए हम, पर हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। पर मैं तब भी बोलूँगा आपसे कि आप प्लीज़ यहाँ नहीं आइएगा अकेले, अकेले क्या ग्रुप में भी मत आइए रात में, डेंजरस रहता है। बहुत सारे व्लॉगर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि हमने ये आवाज़ सुनी, वो आवाज़ सुनी, ये देखा, वो देखा, पर हमें कुछ भी नहीं दिखा, ना कोई रोने की आवाज़, ना हंसने की, ना गाने की, ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं देखी हमने। बस ये एक यहाँ पे थोड़ी सी डरावनी आवाज़ आती है इस नाले की, यहाँ पे नाला चलता है गंदा नाला, तो उसकी आवाज़ है, बाकी कोई और आवाज़ नहीं आती यहाँ पे। या बाकी अगर आएगी तो जंगली जानवरों की आएगी, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है। कुत्ते बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे, बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे। हमें तो बहुत देर हो गई यहाँ पे और हम आ गए वापस गेट पे ही, तो हमें तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो गाइस पूरा जंगल छानने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। हमें तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जैसे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि ऐसा हमें दिखा, वैसा दिखा, ये आवाज़ सुनी, वो आवाज़ सुनी, कुछ भी नहीं था ऐसा वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। तो सब कुछ देखने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। तो गाइस आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए। इनकेस आपको लगता है कि कोई जगह हॉन्टेड है या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, हम वहाँ पर भी जाके आपको दिखाएंगे कि वो जगह कितनी हॉन्टेड है या लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट। भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मेरे समझे तो भाई मैं 2 साल हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला अभी तक कि जो मैं आपसे कहूँ कुछ।
मतलब रात को चाहे कितनी भी रात हो, एक बजाओ, दो बजाओ, तीन बजाओ, कभी कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जब ये बना हुआ है पार्क, तो सारी रात मुझे ऐसे ही बैठना पड़ा। अच्छा। जब यहाँ का ये मान लो फाउंडेशन बना पाया, क्योंकि नहीं तो जंगल के जो जानवर हैं वो पेड़ खा जाते थे। और जंगल में कौन कौन से जानवर ज़्यादा होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो नीलगाय भी है। अच्छा। और खरगोश भी है, और मान लो जे सेई भी है। पर भूत प्रेत नहीं है यहाँ पे उनका कोई? भाई मुझे भूत प्रेत तो दो साल में नहीं देखा, तो मैं क्यों कहूँ झूठ। सही बात है।